परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियाँ ते कुछ कौड़ियाँ गलों के नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत हाज़र ते सलाम अर्ज करदा जी। गल ये है जी, इमरान खान साहब चाइना का दौरा मुकम्मल करके वापस आ रहे हैं जी, ते अन करीब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी बखैर करे, खैर अफीयत दे नाल ओ पाकिस्तान की सरजमीन ते कदम रखणगे। उस तो बाद जिहड़ी आ सूरत हाल जिहड़ी आ हौली हौली बाहर निकलनी शुरू होनी आ कि उत्थे गल्लां होईयां, की उत्थे मुआहदे होए आ, किहड़े किहड़े जिहड़े अगले प्लैन जिहड़े तय होए आ, वह सारियां गल्लां जिहड़ियां एक दो दिन दे विच खुलणियां शुरू होणियां, फिर जिहड़ी उहदे ते कोई तबसरा कीता जा सकदा। बाहर आ के जी दौरा उहनां दा जो नज़र आ रहा वो कामयाब रहा वा, उन्हां दी मुलाकात होई आ, कुछ डेलीगेशन जिहड़े आ उन्हां नाल मुलाकात होई आ, लेकिन कल दी सूरत हाल जिहड़ी आ पीडीएम दी जिहड़ा इतिहाद होया जिहड़ा लंच होया उहदे उत्ते अज बथेरे तबसरे होए आ, हर बंदा जिहड़ा अपने अपने नज़रियात पेश कर रहा। असीं भी कल उहदे ते कोई अपनी जिहड़ी दिमाग दी गल सी उहनूं शेयर करन दी कोशिश कीती आ। अज मैं जिहड़ी गल करांगा जी वह गौर नाल सुनने वाली गल आ, किसी की हजे उदे तक तक नहीं पई जिन्हों कहा जाता भी उतों तक सोच नहीं गई। गल है जी चौधरी निसार अली खान साहब, एक नाम एक निशान एक हैसीयत मुल्क के अंदर उस बंदे दी मौजूद आ, और वो बंदे ने मुस्लिम लीग के ये दो शहजादे जिहड़े सी नवाज़ भाई शबाज़ भाई, इन्हां वास्ते उन्होंने सर तर दी बाजी लाई, ला के इन्हां नूं ओ ओ सहूलियात क्यों उन्हां दा हथ उत्थे जिहड़ा ओ जिथों ताला चाबी खुलदी आ उत्थे काफ़ी पैंदा सी, इन्हां ने उन्हां नूं यूज़ कीता, यूज़ करन तो बाद हसबे आदत इन्हां ने उन्हां नूं बाहर कर दिता। उन्होंने भी सबर शुकर किया, उन्होंने कहा कि बजाए ये कि मैं मतलब कि बुरा बनता या इन्हां नूं जवाब दिंदा, इन्होंने आप ही मेरे तो राह फरार अख्तियार कर ली आ, तो बेहतर होया उन्होंने खामोशी अख्तियार की, उन्होंने इलेक्शन लड़िया, कौमी की सीट वो हार गए, सूबाई भी वो जित गए, उन्होंने हलफ नहीं लिया, फिर आके हलफ ले लिया जो तो ज़्यादा मसला खराब। बहरहाल के जी खामोशी दे नाल उन्होंने ये साढ़े तीन पौने चार साल कढ़े है जी, इहदे च उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई मतलब कि वध घट गल नहीं की। आ हुण पिछले दिन मेरा ख्याल उन्होंने अपने जिहड़े दोस्त आ उन्हां नूं कट्ठे कुठे करके ते उन्हां दे नाल खिताब किया, कुछ इजहारे ख्याल उन्होंने अपना किया, उन्हां लोगों नूं जरा अपना वार्म अप जिहड़ी इन्हां पोजिशन च लैके आए आ, ते किसे बंदे दी सोच उत्थों तक नहीं गई, ना मुस्लिम लीग की ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ते ना पीपल्स पार्टी की, कि आने वाले वक्त चौधरी निसार अली साहब जिहड़े आ ओ की करनगे। अज मेरी गल जिहड़ी आ मेरे ओ फेवरेट इमरान खान तो बाद अगर मैनू कोई बंदा पसंद आ पाकिस्तान दे विच सियासी तौर पर वह चौधरी निसार अली खान आ, राजा जफरुल हक आ, ये बंदे लॉयल बंदे जिन्हां ने मतलब कि जिन्होंने मैं कह सकता कि इन्हां दे विच कोई वल फरेब नहीं है, जिदा के स्टेट फॉरवर्ड तुहानू शक्ल तो नज़र आते उदा दे अंदरों ये बंदे आ, ये हर बंदे की अपनी पसंद आ जी, जिहड़ी मेरी पसंद मैं अपनी चॉइस के हिसाब नाल गल करदा, मेरा प्रोग्राम करन दा अज कोई उन्होंने मतलब कोई खास नहीं सी, लेकिन ये गल जिहड़ी आ ये किसी ने हजे तक इत्थों तक नहीं पहुँचे। मेरा दिमाग एक गल कहिंदा कि अन करीब चौधरी निसार अली साहब खामोशी तोड़नगे, और जिसले वो फिर खामोशी तोड़नगे वो फिर इन वास्ते एक समझो कि जिदा इमरान खान एक भयानक ख्वाब इन्हों सुते पियानू ते जागदियानू जगांदा, इदा ही चौधरी निसार अली खान साहब जिहड़े आ वो जिहड़े आ वो इन वास्ते एक भयानक ख्वाब की शक्ल दे विच वो सामने आणगे, और ये अन करीब तुसी जिहड़ी आ मेरी प्रोडिक्शन आ, मेरी कोई उन्हां नाल मुलाकात नहीं, मैं अज तक उन्हां नूं सलाम दुआ नहीं की, मैं ना उन्हां नूं जानदा वा जाती तौर पर, लेकिन मेरी सियासी सोच मेरी समझ कहती आ कि चौधरी निसार अली खान साहब नूं हर बंदे ने अंडर एस्टीमेट किया हो, लेकिन वो एक अहम रोल अदा करनगे। वो एक तुरब का पता वा जी, वह हुण किहदे हथ लगता वा,
ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਂਟ ਪਾਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਏ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਫਟ ਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਜੀ 100% ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬੰਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਸੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਆ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਸਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਆ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੇ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਹਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮਨਾਈਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ 4-5 PDM ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਯਾਨੀ 11-44 ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ 44-45 PDM ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਫ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋੜਨਗੇ, ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MQM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਅਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ ਨਵੰਬਰ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦਸੰਬਰ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੇ ਜਨਵਰੀ,
आ हुण बलदियाती इलैक्शन शुरू हो जाने आ, उधर का पिट स्यापा शुरू हो जाना, तो आ लौंग मार्च का अल्लाह जाने होना या नहीं होना ये अल्लाह नूं पता जी। एंकर इमरान रियाज खान साहब ने जिहड़ा वा उन्हां दा तजिया है कि लौंग मार्च नहीं होएगा, क्यों ना सऊदी अरब ना दुबई नूं ये दोनों जिहड़े बादशाह वा जिहड़े अपोजिशन दे बादशाह वा ये नाराज़ नहीं कर सकते, मतलब उधरों वो आए होण तो उधरों ये धम्मा चौकड़ी ला के इत्थे बैठे होण, ये कदी भी नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान साहब जिहड़े उन्होंने बहुत जिहड़े आ वो धागे जिहड़े आ इन मुल्कां दे विच उन्हां नूं सूतर आंदा जिहदे नाल कपड़ा बुणदे आ, कपड़ा बुण के फिर वो कपड़ा मार्केट च वेचदे आ जी, वो इस वास्ते इन्हां नूं नहीं नाराज़ कर सकते, उन्हां दा जिहड़ा कपड़ा दा धागा रा मटीरियल आ वो बंद हो जाएगा तो मौलाना साहब ठुस हो जाएंगे जी। इस वास्ते मौलाना साहब भी जिहड़े आ एक सवालिया निशान आ। बाकी रही गल कल मौलाना साहब ने एक बयान दिता जी कि अपना असी मक्खी की तरह इमरान खान साहब नूं जिहड़ा वा ना वो कढ देंगे, तो शेख रशीद साहब ने उहदे ते बयान दिता कि मौलाना साहब आप नूं मक्खी की तरह कल PDM चो उन्होंने कढ दिता, और ये आने वाले वक्त दे विच तुसीं देखना कि मौलाना साहब किते होणगे, पीपल पार्टी किते होएगी, मुस्लिम लीग किते होएगी, तो जिहड़ा सनैरियो नज़र आ रहा वा उस वेले मुस्लिम लीग नूं तां जिहड़ा हैगा वा अहसास होएगा कि असी कितनी बड़ी गलती की और कितना बड़ा जिहड़ा असी अपना नुकसान कर लिया, जिहड़ा कि असी इस इलैक्शन घट्टो घट वो जिहड़ा अगला इलैक्शन होएगा उहदे चों वो जिहड़ा कल दा जोहराना वा उहदा नुकसान जिहड़ा वा वो नहीं ये पूरा कर सकते ना वो होना वा जो गल्लां उत्थे तय। बाकी हुण देखो जी कल नूं एक दो ये हज़ार दफ़ा इन्हां दी मीटिंग हुई, हज़ार दफ़ा मुलाकातां हुई, उस तों बाद ये मुकर गए, लेकिन जरदारी साहब ने जो गेन करना सी वो कल कीता, उन्हां दा अपर हैंड रहा जी। उस तो बाद हुण वो अगला अपना तुरब दा पता खेल रहे आ, वो खामोशी नाल खेल रहे आ। जिहड़ा मेन उन्हां दे नाल पिछे सपोर्ट होएगी वो होएगी जी मेरे अंदाजे के मुताबिक काफ लीग जिहड़ी आ वो सपोर्ट करेगी, वो हर तरह पीपल पार्टी दे नाल अपने आप नूं ईजी फील करेगी, और जिस तरह कल दी मतलब के गल्लां बातां तो अंदाज़ा होया वा वो यही होया वा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आने, मुलाकात हुई आदे च गल्लां बातां हुई वा, वो सारे दावे वादे हुए आ, सिर्फ ये होया वा गल उत्थे फाइनल जिहड़ी कैलकुलेशन कर लो कि जिहड़ा आने वाले वक्त दे विच अगर हकूमत जिहड़ी आ साडे हथ किदां लगनी आ, किन्ने बंदे जिहड़े आ असी लड़ांगे, तो 44-45 PDM होणगियां, तो फिर असी जिहड़ा वा अपनी सीटां कढ़ांगे, उन्हां नूं डिवाइड करके असी हुकूमत किस तरह बनावांगे। बाकी रही जी अदम अतमाद या लौंग मार्च या जो कुछ भी आ, ये एक गुड्डे गुड्डी का खेल है जी, ये जिदा भी लोगों बनाया जाता वा कि कोई ना कोई आ मीडिया से तुसी इश्तिहार देखते हो, डेली एक इश्तिहार आता ना जी, वो मतलब कि फलानी चाह जी आ, फलाना जिहड़ा वा अपना हैड एंड शोल्डर होया या फलानी कोई चीज़ हुई आ, वो तुहानूं रिन्यू कराते रीमाइंड कराते भी यार आ प्रोडक्ट साडा हैगा वा, इहनूं खरीद दे रहो। ये जिहड़ा सारा लौंग मार्च या आ जिहड़ी बयानबाजी आ ये सिर्फ इस गल की निशानदेही करती है कि सानूं यार भुल ना जाइयो, और जिहड़ा मीडिया दे उत्ते इन्हां लोगों की इनवैसटमेंट आ वह भी इस तो आ कि तुसीं सानूं जिहड़ा ना जिंदा रखो। यकीन करो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इत्थे एक काम कर जाण, वो ये कर जान कि जिस प्रोग्राम दे विच इन्हां पार्टियां दे मैंबर शामिल होण उन्हें वो जाण ही ना, यकीन करो एक कम अज कम एक महीना दो महीने करके देख लैन, ये तजर्बा करके मेरी गल का देख लैन, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिहड़े आते कारकुन कहना जी आह मुबसर आते जिहड़े उन्होंने हमायती आते या MNA MPA आके टाक शोज़ के बैठ के अपनी दलील देने की कोशिश करते हैं, वो दो महीने सिर्फ ना आन, ये अपने आप नूं अवॉइड कर, कह जी साढ़े को टाइम ही कोई नहीं, तुहाडी गल्लां दा जवाब देने का सानू काम करन दिओ, असी नहीं तुहाडा, तुसी दो कहना ना जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेल हो गई, वो कह दिओ, तुसी ये गल कह दिओ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी अगला इलैक्शन हार जाएगी, कह दिओ जी, तुसी कहो जी इमरान खान जी करप्ट हो गया जी, कह दिओ जी, तुसी कह दिओ कि इमरान खान का दौरा चाइना का नाकाम हो गया, ये जिहड़े एंकर जिन्हें भी है जी इन्हां नूं ये गल कहती जाए कि भाई जी क्यों तुहाडा दिल आंदा साडे खिलाफ बोलो, यकीन करो, यकीन करो इस गल दे उत्ते कि अगर ये कर लैन ये इन्हां दे बगवारा जिहड़ा ये रोज़ जिहड़ा 7 बजे तो लैके तो ये रात 12 बजे तक जिहड़ा एक
तमा चौकड़ी मचा के इन्हों जो दो करैक्टर है ना जी 45 साल जेडे बाबे आ इन्हों जिंदा रख्या है ये करैक्टर जेडे आ इंतकाल कर जाएंगे यानी मीडिया के तौर देते मीडिया के तौर पर इन पार्टियां का वजूद जोड़ा वो खतरे पै जाएगा अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जोड़े आ सिर्फ दो महीने अपनी जबान जोड़ा वा ना वो ताला ला लन अपना उन्होंने कोल बहुत सारे ऑप्शन आ ओ यानी सोशल मीडिया हैगा वा उन्हों का अपना जोड़ा वा नैटवर्क हैगा ARY होया या होर इदा के जेडे उन्होंने अच्छे जो चैनल आते जाके वो अपना व्यू जोड़े आ शेयर करना आवाम के नाल लेकिन जेडे आ मतलब कि जिन्हों जिदे हिसाब किताब के भी जी कोई नहीं है जी भी चैनल किन्ने का मतलब उन्होंने नाल जो उन्होंने बहुते एंटी चलते पे उन्होंने जाना दरा गुरेज कर दे तुसी ये यकीन कर लो कि ये लोग जड़े आ इन लोगों को भुलना शुरू हो जाएंगे ये जाके उत्थे लड़नगे कितना कि क्या और उदा एक नतीजा निकलेगा कि पाकिस्तान जदों वो जड़े एंकर परेशान होणगे कि तहरीक इंसाफ नहीं आ रही वो जड़े एंकर आ वो फिर ऐसा सवाल करेंगे कि पीपल पार्टी तो और नून लीग नू आपस उलझाना शुरू कर देंगे और उदा नतीजा जड़ा आने वाले वक्त यह होएगा कि यह दोबारा फिर छितरों छितरी हो जाएंगे जी ये मेरी सोच के मुताबिक ये गल आ बाकी जी गल आ सौगत रस्सा सिरे ते गंढ थोड़े दिन इंतजार करो चौधरी निसार अली खान साहब जिहड़ा फैसला उन्होंने करना वा वो एक अहम फैसला होएगा और पाकिस्तान की सियासत दे ते एक गहरा जिहड़ा असर जिहड़ा उहदा होएगा चौधरी निसार अली खान साहब नू हर बंदे ने अंडर एसटीमेट किया है वो की करते की नहीं करते ये आने वाले वक्त जो थानू जाहिर हो जाना उन्होंने नाल किन्ने बंदे अंदर लिंक आ और कितना बड़ा ग्रुप वा ये हजे खामोशी आ उन्होंने एक आदत आ उन्होंने जनाब एन टाइम पर आके बम फड़ना वा जी फिर जरा हर बंदे ने मूँह के उंगली लैके देखना वा ना उन्होंने ये कन्फर्म गल आ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाल नून वाले पासे नहीं जाना जी उन्होंने अपना को सैटअप कर सकते हैं किसी होर पार्टी के नाल लिहाज कर सकते हैं लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक आने वाला जिहड़ा फैसला होना जी मेन फैसला अहम किरदार जिहड़ा पाकिस्तान की सियासत दे विच अदा किया जाएगा वह चौधरी निसार अली ग्रुप होएगा जी जिहदा कि इन्ना वजन होएगा इस पूरे पाकिस्तान के निज़ाम दे विच कि वो जिहड़ा वा उन्हां दी हाँ दे विच हाँ होएगी तो उन्हां दी ना दे विच ना होएगी जी ये मेरा तजिया वा जी इत्ते कोई इतफाक कर लवे ना कर लवे वो उदी मर्जी आ लेकिन मेरी प्रोडिक्शन ये आ कि चौधरी निसार अली खान अगले इलेक्शन दे विच इतने अहम होणगे और जिहदी किसे दी सोच भी नहीं होएगी ये भावें PDM छड़ के ते इत्थे मौलाना फजलुर रहमान छड़ के इत्थे जरदारी या बलावल भुट्टो साहब जो भी जो कर लैण चौधरी निसार अली जिदा हुंदा ना जी कि और टाई हो गया तो वोट कास्ट किया जी आखिरी वो वोट होणगे जी चौधरी निसार अली खान का ग्रुप जी उस हूँ वो किधर नूं फैसला करते आ किस पार्टी का नाल वो अपनी एफिलिएशन जाहिर करते सारियां गल्लां तुहाडे आने वाले वक्त दे विच पता लगनगे जी मेरी सोच मेरी तजिए तो कोई इतफाक कर लवे ना कर ले मैं फिर दोबारा कहना लेकिन मैं अपनी गल का पाबंद आ आने वाला वक्त जिहड़ा वा वो चौधरी निसार की हाँ दे विच हाँ होएगी जिदा पाकिस्तान इस टाइम हाँ कहिंदा चाइना हाँ कहिंदा पाकिस्तान हाँ कहिंदा अमरीका हाँ कहिंदा जी अंदरों चाहे जो भी होण लेकिन जो गल चौधरी निसार अली साहब कल सियासी मैदान दे विच पाकिस्तान दे विच हाँ कहणगे वो हाँ होएगी जे वो ना कहणगे तो ना होएगी जी ये खुदा हाफिज़।